एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की तैनाती से नेटो खेमे में दहशत मच गई है। अमेरिका ने F-16 फाइटर की तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में F-16 की भी सीक्रेट तैनाती हुई है। रेडी टू अटैक मोड में F-16 फाइटर्स हैं और अमेरिका ने इस तैनाती को बढ़ाया है। उधर हम देख रहे हैं रूस की तरफ से परमाणु बॉम्बर्स को लेकर पूरी तैयारी नजर आ रही है और ये संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आखिर इन दोनों ही देशों की तैयारियां किस ओर इस पूरे युद्ध को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने में बहुत बड़े मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बड़ी खबर, एक और जानकारी, नेटो को रूस की सीधी परमाणु धमकी। लेकिन उससे पहले इन दोनों तस्वीरों को हम दिखा दें आपको, इन दोनों बड़ी खबरों को दिखाया, उससे पहले नेटो को रूस की सीधी परमाणु धमकी। आमने सामने आए न्यूक्लियर देश, रूस कह रहा है रूस पर आई आंच तो छोड़ेंगे नहीं, ज़ाखारोव का ये बयान, और परमाणु नीति का हम आकलन कर रहे हैं। ज़ाखारोव कह रहे हैं कि इस वक्त हम लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव का ये दावा, परमाणु नीति का हम आकलन कर रहे हैं, ये आकलन इसलिए किया जा रहा है वो ताकि ये समझ सके कि हमारे सामने कोई मुल्क टिक सकता है या नहीं, और अगर हम कमतर हैं तो कैसे हम अपने परमाणु एसेट्स को और ज्यादा बढ़ाएं। और ऐसे में बड़ी जानकारी, तीन विजुअल, तीन ब्रेकिंग के जरिए लॉन्चिंग मोड पर रूस के परमाणु बॉम्बर्स हैं और रूस की तैनाती से नेटो खेमे में दहशत है। अमेरिका की तैयारी और व्यापक हो गई है। साथ ही जो इस वक्त हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव का जो दावा है, रूस पर अगर आंच आई तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और परमाणु युद्ध के संकेत को लेकर ये जो जानकारियां सामने आ रही है इसकी हमने डिटेलिंग की है। दरअसल मिडिल ईस्ट में लॉन्च जोन में तैनात हैं और F-16 की तैनाती से ज्यादा TU-95 बॉम्बर है, और इसके अलावा रूस की जो न्यूक्लियर धमकी है उसमें रूस पर हमला हुआ तो मारिया ज़ाखारोव, जिनको अभी हम विजुअल्स में भी आपको दिखा रहे थे, जो प्रवक्ता है रूस विदेश मंत्रालय की, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और परमाणु नीति का आकलन हम कर रहे हैं। दैट मीन कि अगर हमें कहीं भी लगता है कि हम कमजोर हैं तो हम और ज्यादा अपनी स्थितियों को बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे साथ हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहे हैं, और ऐसे में हम एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। सर, अभी हम मारिया ज़ाखारोव के जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस वक्त जो वॉर मोड की हम बात कर रहे हैं वो वॉर मोड अब टर्न होगा परमाणु वॉर में, न्यूक्लियर वॉर में? मैं इस वक्त सीधे रुक करना चाहती हूँ प्रोफेसर अमिताभ का। सर, आपको क्या लग रहा है कि ये एक्सटेंशन अब नेक्स्ट लेवल जा रहा है, न्यूक्लियर युद्ध हम देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर देखने जा रहे हैं? देखिए, रूस ने कई बार स्पष्ट किया है, और पुतिन ने या दिमित्री मेदवेदेव ने, जो उनके राइट हैंड मैन है, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब हमारे सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। न्यूक्लियर यूज और न्यूक्लियर थ्रेट तो यूरोप को पूरी तरह है और रशिया इसके लिए भी प्रिपेयर्ड भी है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि न्यूक्लियर थ्रेट एज अ लास्ट ऑप्शन रूस इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं हमेशा इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं कि जितनी भी दुर्घटनाएं, जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें दुर्घटनाओं का एक सबसे बड़ा रोल रहा है। कहीं कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए जिससे न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए या कोई स्मार्ट बॉम्ब चल जाए, तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात में रूस, जो खुद एक परिपक्व देश है, मैं ये नहीं मानता हूँ जितने वेस्टर्नर्स कहते हैं कि ये परिपक्व देश नहीं है, ये इरेस्पॉन्सिबल देश है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऑप्शन तो है ही नहीं कि आप एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट से लड़ रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन टेस्टेड है और कई सालों से उसके पास है, अगर आप उससे ले रहे हैं तो वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रीति कि किसी भी तरह से ये इस समय इसका इस्तेमाल इस युद्ध में। सर, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर मैं चाहूंगी कि अम्बेसडर अशोक सजनहार जरूर अपनी बात को रखें मारिया ज़ाखारोव के स्टेटमेंट को जोड़ते हुए। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, ईरानी सांसद के दावे से पश्चिम में खलबली है। ईरानी सांसद का दावा क्या है, परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, 90% यूरेनियम प्योरिटी प्रोसेस के करीब है, 90% यूरेनियम प्योरिटी से 12 एटम बम बनेंगे, ईरानी सांसद जावेद करीमी का यह दावा है। और इस दावे को हम बिग बॉल के जरिए भी समझते हैं जिसमें ईरान बना रहा है परमाणु बम। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है सामने? दरअसल इस वक्त अब वो जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें अब देखिए ईरानी
ईरान बना रहा है परमाणु बम। सबसे बड़ी बात यह कि ईरानी सांसद जावेद करीमी का जो दावा है वो दावा क्या है, दावा है कि फरवरी में यूरेनियम 84% प्योरिटी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, तो होगा कि 12 न्यूक्लियर बम तैयार हो सकते हैं। और ईरानी सांसद का यह दावा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम एक तरफ रूस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वही ईरानी सांसद का ये जो दावा है इस पर हम सीधे वो जानकारी भी आपको बताते हैं। लेकिन इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मुझे बताई जाए। ये SCO मीटिंग में रूस ईरान में बड़ा समझौता होने की जानकारी आई है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को सैन्य मदद बढ़ाएगा रूस, और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का ऐलान है। तकनीक ट्रांसफर पर भी सहमत हो गए हैं दोनों देश। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का ये ऐलान है। ये ऐलान समझिए, बिटवीन द लाइंस एक बहुत बड़ा मैसेज है, तकनीक ट्रांसफर पर भी सहमत हो गए हैं दोनों देश। अब ये खबर क्या है, ये खबर यह है कि SCO मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री से मिले हैं रूस के रक्षा मंत्री, और नेटो के खिलाफ जंग के लिए एक साथ आ गए हैं रूस और ईरान। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसी बात को हम आगे अपने पैनलिस्ट के बीच लेकर जाएंगे। ईरान से सैन्य तकनीकी सहयोग पर बात हुई है। सवाल क्या है, सवाल यह कि क्या आगे बढ़ाएगा रूस ईरान को परमाणु बम के लिए, बनाने में ये परमाणु बम क्या मदद करेगा रूस, ये बात क्यों कही जा रही है, ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम अपने पैनलिस्ट के पास ले जाएं। अशोक सज्जनहार सर, अभी हम रूस की ही बात कर रहे थे जो लगातार मारिया जाकरोव कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं भी ऐसा लगा कि किसी की तैयारी है तो हम रुकेंगे नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो SCO की मीटिंग है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त, कैसे ये इशारा है कि रूस ईरान गोइंग टू बी जॉइंट वेंचर फॉर परमाणु युद्ध, फॉर न्यूक्लियर वॉर? देखिए प्रीति, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए हैं, बहुत ही अच्छे मसले उठाए हैं। पहले तो मैं ये कहूँ, जो देखिए मारिया जाखरोवा ने जो कहा है वो केवल उन्होंने नहीं कहा, इससे पहले सर्गेई लैवरोव कह चुके हैं, राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं, दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं। जो अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, अगर हमारा वजूद को ख़त्म करने का कुछ प्रयास किया जाएगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये उनकी कड़ी उसी में है। परंतु मैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं अमिताभ जी, उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो अभी तक रूस उस हालत पर नहीं पहुँचा है। अभी तक तो जैसे जनरल सिवाश ने बताया पहले, रूस एक बहुत ही स्थिर स्थिति में है। उसने यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में